हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समाजशास्त्र से संबंधित कुछ 20 प्रश्नों को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो एक वन बाय वन आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइएगा। फर्स्ट आप खुद से आंसर देने की ट्राई करें, देन मैं आंसर तो बता ही दूंगी। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी थी। यहाँ पे एक डेफिनेशन है, वो हमें देखनी है कि किसने दिया है। ठीक है, चलिए। हमारे जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि समूह व्यक्ति के उस एकत्रीकरण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग किया जाता है। तो जो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ये किस सोशियोलॉजिस्ट की है? ऑप्शन इज बोगार्डस, केटॉल, के यंग या फिर किडिंग्स। तो ये थोड़ी अनकॉमन डेफिनेशन है बाय केटॉल। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज समिति मतलब एसोसिएशन सामान्यतः कुछ एक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है। तो ये भी एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? जिमरमैन ने, गिन्सबर्ग ने, वेवर ने या बुगार्डस ने? एसोसिएशन की जो ये फेमस डेफिनेशन है, ये दिया था बुगार्डस ने। वो कहते हैं कि जो एसोसिएशन है, समिति है, वो कोई पर्टिकुलर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही मिलकर बनाई जाती है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री इज निम्नलिखित विचार किस समाजशास्त्री का है कि किसी समूह और समाज में एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन ठीक है की प्रक्रिया कितनी अधिक और कम होगी, तीन बातों पर निर्भर है। वो बातें कौन सी हैं? समूह का आकार मतलब ग्रुप ऑफ साइज, साइज ऑफ द ग्रुप, समरूपता मतलब होमोजेनिटी, एंड जो हमारा लास्ट है भौतिक गतिशीलता मतलब फिजिकल मूवमेंट या डायनामिक। तो ये किसने दिया था? ऑगमन निमकॉफ ने, डेविस ने, ग्रीन ने या फिर नन ऑफ दी अब उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ये एकीकरण की बात बताते हैं, ये जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, ये विचार किसके हैं? क्वेश्चन नंबर थ्री। तो ये विचार हैं ऑगमन एंड निमकॉफ के। वो ये बोलते हैं कि जो हमारा समाज है उसमें जो एकीकरण की प्रक्रिया वो तीन बातों पर निर्भर होती है, समूह के आकार में, समरूपता में और भौतिक गतिशीलता में। क्वेश्चन नंबर फोर इज निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें इसमें से जो रॉन्ग है गलत है वो बताना है। ठीक है, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। सेकेंड, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सी, समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। या फिर डी, समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर फोर को ध्यान से पढ़िए तब आंसर कीजिए। तो इसमें जो है, देखिए, ए वाला, सी वाला और डी वाला बिल्कुल सही है। वहीं पर जो बी वाला है उसको आप ध्यान से पढ़िए, वो क्या कह रहा है कि समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्यप्रणालियों के द्वारा हम लक्ष्यों को प्राप्त करता है। तो ऐसा नहीं है, समिति में व्यक्तियों से भी तो संबंधित समिति व्यक्ति के द्वारा ही तो समिति बनाई जाती है। इसीलिए जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि व्यक्ति का वह समूह है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा बी। अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की। क्वेश्चन नंबर फाइव इज इनमें से कौन सा समुदाय नहीं है मतलब कम्युनिटी नहीं है, इसमें से ये पूछा है। नगर, गांव, जेल या साधुओं के मठ, बस्ती या कस्बा, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज जेल या फिर साधुओं का मठ। क्योंकि नगर, गांव या फिर ये कस्बा, ये सब हमारा कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इनमें से कौन सा इनकरेक्ट हमें बताना है जो गलत है। पहला है समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है, ये बिल्कुल सही है। बी है समुदाय के निर्माण में हमें निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना प्रमुख तत्व, ये भी बिल्कुल सही है। सी कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय में अनेक समुदाय का सदस्य बन सकता है। डी, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक समुदाय का सदस्य नहीं बन सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बिकॉज वो अनेक समुदाय का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर सेवन इज अकॉर्डिंग टू रेडक्लिफ ब्राउन इनमें से किसकी निरंतरता के माध्यम से संरचना की निरंतरता बनी रहती है, ये है। ठीक है,
यहाँ ये कीवर्ड है, निरंतरता के माध्यम से संरचना की निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो 7 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी, दैट इज फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 इज लघु समुदाय मतलब लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी थी? रेडक्लिफ ब्राउन, बी स्टेट, हेरल अम्बोस या फिर मार्टिन डेल। तो लिटिल कम्युनिटी, ग्रेट कम्युनिटी, इन दोनों की बात करते हैं। इसमें इसका आंसर होना चाहिए 8 का रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉबर्ट रेड फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9 इज किसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है? समुदाय की, समिति की मतलब एसोसिएशन की, कम्युनिटी की, नेशन की या स्टेट की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 10 इज अकॉर्डिंग टू ब्राउन, ब्राउन ने जो लघु समुदाय की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? यहाँ पे ब्राउन नहीं होना चाहिए, इसमें हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड ही होगा, क्योंकि रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही लिटिल कम्युनिटी एंड ग्रेट कम्युनिटी, लघु समुदाय बृहद समुदाय की बात की है। तो उन्होंने जो 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे उसमें से कौन सा आता है? फर्स्ट है भिन्नता एवं लघुता, बी समजातीयता मतलब होमोजेनिटी, एंड सी स्वावलंबन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि उन्होंने बात किया था कि लघुता तो होनी चाहिए, बाकी के आंसर नहीं होंगे, इसका सिर्फ बी हो जाएगा समजातीयता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 इज इनमें से विशिष्ट समाज या एक समाज क्या है? ऑप्शन है हमारे अनुशासनबद्ध व्यक्तियों का एक समूह है, व्यक्तियों का एक जमघट है, नियमित सदस्यता सहित एक समिति है, या फिर अंतर क्रिया के आदर्शों पर स्थापित एक समिति है। यहाँ बात हो रही है विशिष्ट समाज की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा डी, जो विशिष्ट समाज होता है वो इंटरेक्शन से ही बनता है। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 इज इनमें से प्राथमिक समूह की बात हो रही है कि प्राइमरी ग्रुप कौन सा होगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए इज कर्मचारी संघ की कार्य समिति, नाटक मंडली के पात्र, बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि कानून मंत्री से वार्ता करते हुए, या फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह। यहाँ बात हो रही है प्राइमरी ग्रुप की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें जो बाकी के लोग हैं वो सब सेकेंडरी ग्रुप से रिलेटेड हैं। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जब वो एक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तरीके का वो क्या बनाते हैं, प्राइमरी ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज इनमें से कौन एक समुदाय का आवश्यक तत्व नहीं है, मतलब इसमें कम्युनिटी का फीचर नहीं है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये तो होना ही चाहिए, सामुदायिक भावना भी होनी चाहिए, स्थायित्व भी होना चाहिए। तो हमारा बच्चा डी, दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। 14 इज इनमें से कौन समिति है, एसोसिएशन इसमें से क्या होगा, ट्रेड यूनियन, राज्य, टेनिस क्लब या फिर डी ऑल। तो 14 का भी हो जाएगा हमारा डी ऑल, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन को भी खुद से बनाते हैं, राज्य को भी और टेनिस क्लब को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज एक समुदाय की सामाजिक संरचना में लोगों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के समूहों और संस्थाओं का समावेश होता है। ये एक कोटेशन है, ये किसका है कि एक समुदाय की जो सामाजिक संरचना होती है उसमें लोग जो निर्मित लोग क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं, उनका समावेश होता है। तो ये फर्द कहते हैं, डेविस कहते हैं, हुमन्स कहते हैं या जॉर्ज गुरविच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो वो ये कहते हैं आर फर्द, कि जो सामाजिक संरचना में लोगों द्वारा जो निर्मित विभिन्न प्रकार के समूह संस्थाओं का समावेश होता है ये फर्द कहते हैं। 16 इज किंग्लस डेविस के अकॉर्डिंग समुदाय के प्रमुख आधार क्या है, मतलब जो कम्युनिटी है उनके बेसिस क्या है, व्यक्तियों का समूह है, क्षेत्रीय स्थिति है या फिर सामाजिक जीवन का समावेश है, या फिर डी उपरोक्त सभी। 16 का हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि एक समुदाय में इन सब चीज़ों का होना अति आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 17 इज प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में जो सबसे पहले डिफरेंस दिया था
प्रदत्त मतलब होता है एस्क्राइब्ड, और अर्जित होता है अचीव्ड स्टेटस। तो किसने दिया था? किंग्स डेविस ने, क्रॉबर ने, डूबे ने या फिर लिंटन ने? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रॉल्फ लिंटन। और रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले किसमें दिया था? उनकी एक बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ एसेज, उसमें दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 इज किस समाज को हम प्रस्तुति सामान्यता प्रदत्त देती है? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो स्टेटस होता है वो उससे पहले से मिला हुआ होता है, एस्क्राइब्ड होता है वो, ठीक है? द्वितीयक समाज, मुक्त समाज, बंद समाज या वृहत समाज? पहले से मिला हुआ रहता है, बाय बर्थ मिला हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंद समाज, जो हमारा क्लोज सिस्टम, क्लोज सोसाइटी होती है, लाइक कास्ट, है ना? कास्ट हमें बाय बर्थ मिली हुई होती है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज प्रतिदर्श समूह की धारणा सबसे पहले धारणा किसने दी थी? प्रतिदर्श समूह, प्रतिदर्श बोलते हैं हम सैंपल को, किसने दिया था? होमन्स ने, फ्रेंच एंड रेविन ने, कूली ने या फिर टाइलर ने? 19 का क्या होगा? तो प्रतिदर्श समूह की बात थॉमसन करते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज संस्था के निर्माण में, मतलब इंस्टीट्यूशंस के निर्माण में किन तत्वों का समावेश नहीं होता? कि वो ना भी हो तो चलेगा। प्रथा और रूढ़ियाँ, उद्देश्य पूर्णता, सामाजिक स्वीकृति और सामाजिक विघटन। तो ऑफकोर्स इसका सामाजिक विघटन होगा, क्योंकि जब सामाजिक विघटन है तो संस्थाओं का निर्माण कहाँ से होगा? तो आज के लिए हम मैंने आपके लिए लेकर में आई थी पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन जो कि हमारे सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड अगर आती है तो देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।